आदरणीय विवेक तन्खा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमा सिंघार जी, मंच पर आसीन हमारी दीदी आदरणीय जयलक्ष साधव जी, आदरणीय बाला भाई, आदरणीय राजेश भाई, आदरणीय गोवा जी, आदरणीय हमारे सेंधवा के भाई छोटे भाई मोन्टू जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान अध्यक्ष जी, खरगोन विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय रवि जोशी जी, और मंच पर पीछे आगे दाएं बाएं बड़वानी से लगाकर सभी विधानसभाओं से आए हमारे सम्मान अध्यक्ष जी, हमारे बड़वानी जिले के अध्यक्ष नानेश भाई, हमारे जिले के प्रभारी जयसी भाई, हमारे लोकसभा खंडवा की प्रभारी युवा भाग केदार भाई, हमारे ग्यारसी भाई, तमाम बुंदा जी सब आगे पीछे बैठे, तमाम हमारे साथियों, हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार अजीत भाई जी, मियां भाई जान जी आए, आपका भी स्वागत करते हैं, और दूर दूर तमाम विधानसभाओं से आए सभी हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी। मेरे पूर्व में सभी साथियों ने अपनी बात बड़ी मुस्तैदी के साथ आपके बीच में रखी है। विवेक भाई, ये लोकसभा की 8 सीटों में से 5 बार कांग्रेस के विधायक हैं, और जो परिवार आपके दिल में है बहुत ही दिखने भी बहुत सुंदर है, बहुत कर्मठ है। विवेक भाई, जीतू भाई, रोहन भाई, सभी इतने शीर्ष नेतृत्व में यहां बैठा है, सबकी प्रथम चॉइस की भाई बोलते जी को चुनाव लड़ाया जाए और वो आपके उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष यहां पर की है, उसमें से सबसे बढ़िया मीटिंग हमारे खरगोन लोकसभा क्षेत्र की हुई है, और ये आपका आना यह स्पष्ट करता है कि हम इस बार ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे, और 2007 के बाद मेरे सांसद बनने के बाद पहली बार 2024 में कांग्रेस का सांसद यहां से बनाकर हाईकोर्ट के जी को दिल्ली भेजी। आदरणीय विवेक भाई, हमारा सांसद दिल्ली चला जाएगा, बाकी दिल्ली की व्यवस्था आपके सुपुर्द हम करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि विवेक भाई हम सबके जितने यहां लोग बैठे हैं उन सबके मार्गदर्शक हैं, और दिल्ली में बैठकर जब हमारी इंडिया की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व और कोई नहीं आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी करेंगे, तब इस आदिवासी क्षेत्र में आज विवेक भाई मुझे कहते हुए गर्व होता है, ये इलाका आज से 20 साल पहले पूरा सूखा था, लेकिन यहां बैठे तमाम साथियों की लगन से, मेहनत से, हमारे पूर्वजों की मेहनत से, स्वर्गीय पिताजी और तमाम हमारे नेताओं की बदौलत आज 90% ये इलाका सिंचित है, और मां नर्मदा का पानी एक एक गांव में, एक एक जमीन पर पहुंचा है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की देन। मुझे याद है किदार भैया बैठे, रवि भैया बैठे, आज से 20 साल पहले दीदी ना बैठी है, चाहे वो महेश्वर क्षेत्र हो, चाहे खरगोन हो, चाहे हमारा कसावल हो, चाहे हमारा केदार भाई का इलाका हो, चाहे भूम बिगनगांव का, भाली का, जुआ भाली का इलाका, वो सब असंचित था, लेकिन आज हर इलाका सिंचित है, और मां नर्मदा का पानी हमारे खेतों पर पहुंच गया है, ये मां नर्मदा की असीम कृपा इस खरगोन और बड़वानी जिले पर हुई है। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात ध्यान सुन के जाइए, क्या आप सब संविधान को बदलना चाहते हैं?
जोर से बोलो मेरे प्राण में घर आते हैं। क्या आप चाहते कि हमारा आरक्षण समाप्त हो जाए? क्या आप चाहते कि हमको सरकारी नौकरियां जो मिलती है और आशीष नेतरदार जिनके पदों पर यहाँ बैठा है, चाहे उमन भाई हो, चाहे हमारे पोते जी हो, चाहे दादा भाई हो, चाहे दीदी हो, अगर आज देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया है, आरक्षण हमको दिया है। उस आरक्षण को समाप्त करने की एक बड़ी साजिश इस देश में रची जा रही है। और अगर दो आपकी बात 400 पार का नारा जो दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अगर वो सफल हो गया तो हमारा जो हक है, हमारा अधिकार है जो हमको बाबा साहब ने दिया है, उन अधिकारों को समाप्त भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट सरकार करने वाले, इसलिए सचेत हो जाइए। मुझे आदिवासी क्षेत्रों में तो पूरा गर्व है, लेकिन जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं, जो हमारे जंगल क्षेत्र में साथियों से मेरी पास का जो कार्यकर्ता आए हैं, हमें मुस्ते जी के साथ इस चुनाव में भाग लेना और ये दिमाग में रखना है, जो वोट डालने जाओ कि अगर संविधान बदल गया तो हमको जो मिला है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये चुनाव का वोट संविधान को बचाने का वोट होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं खरगोन लोकसभा क्षेत्र के साथियों से, जिनपे मुझे गर्व है, राष्ट्र में 40 साल पुराना एक रिश्ता हमारा और आपका है, और ये रिश्ता ऐसे समाप्त नहीं होता है। इस रिश्ते को और मजबूत करना है, चाहे हमारा खेतिया पान समल का कार्यकर्ता हो, चाहे खिलजिए का हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे सेनाओं से कोई कार्यकर्ता है, हमारा आपका एक निजी रिश्ता है। और इस निजी रिश्ते को मुझे डर रहे मेरे भाई कहते हुए 2023 के विधानसभा के चुनाव में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी जिले में अगर हुआ है तो हमारे खरगोन जिले का है, खरगोन बड़वानी जिले का है। इसलिए आज कैसे 5 विधानसभा हमने जीती लोकसभा क्षेत्र में। साथियों, जब यहां से जाओ तो ये संकल्प लेके जाना है कि 13 तारीख को होने वाले चुनाव में एक एक वोट हमारे माइनोरिटी के साथी बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, गुलाम भाई और तमाम साथी हमारे यहाँ गवाह आते हो, खरगोन के भी तमाम साथी यहाँ पर हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आपका वोट अमूल्य वोट है, आपका वोट 100% जब जाएगा चलेगा तो कांग्रेस की झोली में जाता है। इस बार बटन इतनी जोर से दबाना है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता अभिनेता जिनमें रावण का अहंकार आ गया है, उस रावण के अहंकार को समाप्त करने की शुरुआत हम इस लोकसभा क्षेत्र खरगोन से करेंगे। और 5 चुनाव हो गए लोकसभा के, 5 में से भला भाई हमारी गरीब बात हो रही थी, 5 में से 3 सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि देश और प्रदेश में सबसे बेहतर नतीजा अगर आएगा तो हमारे इलाके से आएगा। जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र के साथी आए उनसे भी मेरा निवेदन है कि खंडवा में भाई नरेंद्र पटेल जी जो आपके उम्मीदवार हैं, उनको भी आपका पूर्ण जहां जहां जिसकी जिसकी रिश्तेदारी है वहां कृपापूर्वक 2 दिन हमारे लिए निकालिए। खरगोन से बड़वानी से लगाकर हमारे उधर धुनकोट से लगाकर उधर चिड़िया तक लगाकर उधर हमारे बुरहानपुर से लेके संग्राम तक जिनके जिनके हमारे आदिवासी भाइयों की ड्यूटी है वो जाकर अपने रिश्तेदारों से मिले। सिंधार भैया भी बैठे होंगे, केदार भाई से मेरा आग्रह है और तमाम साथी जिनकी रिश्तेदारियां बड़वानी वालों की तरह है वो कृपापूर्वक वहां पहुंचे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने का सहयोग करें। मैं इन शब्दों के साथ तमाम विवेक भाई का बहुत निजी में धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भोपाल से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन बोललाल जी, जीतू भाई और तमाम हमारे कैलोरी भाइयों सबने आग्रह किया, बाला भाई ने दिल्ली में कि आपको यहाँ आना है, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आपके बीच में आए हैं। हम सब जीतू भाई और विवेक भाई को सुनना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत मैं दिल से आभार करता हूँ। और 6 मई को यहाँ का सांसद दिल्ली जाएगा और दिल्ली में महागठबंधन की सरकार में
मैं कोरलाल जी नेतृत्व करेंगे। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमें आमंत्रित कर रहा हूँ आदिवासी शहर के नाम से प्रसिद्ध